हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आदित्य आपको बताने जा रहा हूँ एक मैथ्स की मल्टीप्लिकेशन ट्रिक जो कि 100 के आसपास के नंबर्स के लिए आपको बहुत अच्छी लगेगी और आप इसे जल्दी से सीख लेंगे। और जो भी 100 के आसपास के नंबर्स है आप उसे आराम से मल्टीप्लाई कर देंगे इस ट्रिक की वजह से। अगर आपको कोई कहे कि 99 और 97 को अभी के अभी मल्टीप्लाई करके दिखाओ तो आप बहुत टाइम ले लेंगे, लेकिन इस ट्रिक से आप उसी वक्त उन्हें मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस ट्रिक को सीखते हैं। दोस्तों अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर 99 × 97, तो पहले हम देखेंगे कि 100 से कितना कम है। ये 100 से एक नंबर कम है और ये 100 से तीन नंबर कम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 3। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, यहाँ पे आंसर आ गया 4। अब यही नंबर हम 100 में से माइनस कर देंगे जो कि 100 − 4 होता है 96। हमारे पहले दो नंबर हो गए 96। अब हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 3। लेकिन हमें ये बात याद रखनी होगी कि यहाँ पे सिंगल डिजिट में डबल डिजिट नंबर आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 3। दोस्तों यही है इसका आंसर, बस इतनी सिंपल सी ट्रिक है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। इस बार हम 100 से बड़ा नंबर लेते हैं, 105 × 109। तो दोस्तों अब देखते हैं कि ये कितना बड़ा है। ये 5 बड़ा है 100 से और ये 9। तो दोस्तों अब हम इन दोनों नंबर्स को प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा हमारा 14। और तो फिर हमारी पहली डिजिट हो गई 114। हम इसे 100 में ऐड करेंगे की वाली, पहले हमने यहाँ पे माइनस किया था, यहाँ पे प्लस करेंगे 100 + 14। तो इसके बाद क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है आपस में। 95 जो होता है 45, तो आखिरी डिजिट हो गई 45। हमारा आंसर हो गया 11445। दोस्तों अगर आपको इस ट्रिक पे भरोसा नहीं है आप ये नंबर्स कैलकुलेटर पे चेक करके भी देख सकते हैं। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 98 × 98 यानी कि 98 का स्क्वायर। तो ये भी 2 कम है और ये भी 2 कम है, तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर देंगे 4, 96 आ गया इधर। और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 04, ये इसका आंसर है। दोस्तों आप 5 सेकंड से भी जल्दी जल्दी ये सारी ट्रिक सीख कर इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात बता दूं आपको, अगर आपके पास नंबर है 105 × 98 तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी, इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा या फिर मेरी अगली वीडियो में मैं इसके लिए भी आपको एक ट्रिक बता दूंगा। तो शुक्रिया दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और जो भी डाउट हो कमेंट में पूछ लेना। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।